जी सर, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं सर, उस पर क्या कहेंगे, कितनी संतुष्टि है? जैसे कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद जिस प्रकार का एग्जिट पोल के रुझान दिखा था, तब भी मैंने सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया था कि 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को मिली है, 10 वर्ष का वनवास अभी कांग्रेस का हुआ है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहना है। हरियाणा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका प्रमाण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और जिस प्रकार के रुझान भी आए हैं, रुझानों पर विश्वास करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रिजल्ट इसी प्रकार का रहने वाला है। जो रुझान आ रहे हैं अभी तक 49 और 35 पे कांग्रेस है, तो क्या लगता है अभी जैसे कि टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह ही रहेंगे या और मैंने चुनाव के समय में भी बाइट दिया था कि 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, लेकिन रुझानों से मुझे लगता है फिर भी विश्वास है कि 52 तक हम पहुँचेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा और 52 तक जाने की संभावना है। ओपिनियन पोल तो उल्टे, अब ओपिनियन पोल उन्होंने किससे पूछताछ की? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में है, प्रत्येक बूथ के अपने त्रिदेव से अपने बूथ के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, जो बूथ पर जिन्होंने पूरा दिन बैठकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का जो प्रयास किया है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैंने विश्वास रखा, उन कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक आई उसी के आधार पर मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेके आई है और वो उसके रिजल्ट सामने। नायब सिंह सैनी चेंज किए गए, क्या वो भी एक कारण आपको समझते कि रहा बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी करता है वो बहुत ही ठीक करता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जरूरत दिल्ली में थी, उनको दिल्ली में बड़ी जिम्मेवारी दी है और यहाँ नायब सिंह सैनी जी की आवश्यकता थी तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और अब दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहे, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और वो शुरू दिन से फैसला है और अब सरकार 2024 में जो बनेगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये भी एक बीजेपी को बेनिफिट पड़ा कि नायब सिंह सैनी प्रोडक्ट किए गए होम मिनिस्टर की तरफ से कि यही रहेंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बने। नहीं, कांग्रेस के तो लोग कह रहे थे हुड्डा सरकार है, उन्होंने कांग्रेस की वोट ही नहीं मांगी। कोई भी आप अपने डिबेट उठा के देख लो, कोई उनके प्रोग्राम उठा के देख लो, उन्होंने कांग्रेस की वोट ही नहीं मांगी, हरियाणा की जनता से उन्होंने वोट ही मांगी कि हुड्डा की वोट दो, हुड्डा की वोट दो। हुड्डा चुनाव लड़ नहीं रहा था, हुड्डा की कोई पार्टी थोड़ा ही थी, पार्टी तो कांग्रेस थी, कांग्रेस के लिए वोट भी नहीं मांगा उन्होंने।